करा पूरा प्रदेश सरकार में छत्तीसगढ़िया बात के बाद चलत हे। और सबले पहली तो छत्तीसगढ़ी के जन मूल उभारे बर ओखर वेशभूषा ओखर पंछा पटकू कैथन तेला लटकाए हवे अमित बघेल जी हमर संग में मौजूद हे। जोहार छत्तीसगढ़ के नाम लेके आप आगे बढ़े हो, कैसे रणनीति रही है साल के विधानसभा चुनाव में अपन के? काहे रणनीति नहीं है, रणनीति ला तो मतदाता बनावत है, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन बनावत है। और उमन ये रणनीति बनाए कि ये बार जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के छड़ी छाप ला गोटानी छाप ला वोट देबो और ये बार छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बनाबो, हमर पुरखा देव बूढ़ा देव सरकार बनाबो। भूपेश बघेल कही थे कि मैं छत्तीसगढ़ियावाद ला लाए हूँ, मैं पुराना संस्कृति ला बचाए हूँ, ओला उभारे हूँ वापस, फिर आप मन इसे का नवा करत हो जेखर से जनता मन आप ला वोट देवे? भूपेश बघेल जी है ये पाँचे साल मुख्यमंत्री बने के बाद छत्तीसगढ़ हो इसका, एक पहले विधायक रहे मंत्री रहे तब ओकर छत्तीसगढ़ महतारी मया कहाँ गेरी से, तब भौरा पिट्टुल बाटी कहाँ गेरी से, तब हरेली कहाँ गेरी से, तब तीजापोरा कहाँ गेरी से, तब काबर नहीं माने तय। आज जब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ियावाद स्थापित करे बस सरलग लड़ाई लड़त है, तो तय वोट बैंक साधे पर छत्तीसगढ़िया बने के ढोंग करत है। और कैसना छत्तीसगढ़िया ये है, जब गोबर से इतना रहते छत्तीसगढ़िया, गाय के मुतु झोंकना है तो छत्तीसगढ़िया, लेकिन जब राज्यसभा जाना है तो तीन जन में एक जन बिहार से, एक जन यूपी से, एक जन पंजाब से, ये का है। छत्तीसगढ़ में गुजराती भाषा पढ़ाए के फरमान जारी हो जाते, उड़िया भाषा पढ़ाए के फरमान जारी हो जाते, छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाए पर जांगर टूटत है। यहाँ उर्दू अकादमी है, यहाँ सिंधी अकादमी है, छत्तीसगढ़ी अकादमी नहीं है। हम सब छत्तीसगढ़ी हमन के चिन्हारी का है, छत्तीसगढ़ी हमार महतारी भाखा, ओला स्थापित करे बर जांगर नहीं चलते, वो अपन आपला छत्तीसगढ़िया स्थापित करे बर चले। ये छत में छत्तीसगढ़ियावादे छत्तीसगढ़ियावादी यदि कोई संगठन है छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, और यही संगठन है, ये हमार मन के महतारी संगठन है। ये संगठन अपन राजनीतिक दल बना है, राजनीतिक दल बना करके चुनाव मैदान में, तो एक नाम है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और चुनाव आयोग हमला गोटानी छाप छड़ी। एक ठन सवाल है, पाँच साल में आप मन के हो कि छत्तीसगढ़िया वाद ला भूपेश बघेल है, पाँचे साल में काबर देखाइस, बाकी के जब पहली से तो राजनीति पहली से करत है, दाऊ आदमी है राजनीति करत है, छत्तीसगढ़िया वाद ला नहीं देखाइस। 15 साल में जब भाजपा के सरकार रही से तब क्रांति सेना, आज जिन 5 साल में उभर के जिन जोर शोर से ताकत लगा के छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ी महतारी सेवा पर उतरी से 15 साल ले अही क्रांति सेना कैसे नजर नहीं आती से? ग्रामीण क्षेत्र में आज रायपुर में देखे मिलते, दुर्ग में देखे मिलते, कबीरधाम चल दे, बिलासपुर चल दे, रायगढ़ चल दे, वहाँ काबर नहीं उभरते क्रांति सेना? आप थोड़ा अपन ज्ञान ला अपडेट कर लो, मोर निवेदन है भारतीय जनता पार्टी 15 साल के सरकार है, 15 सीट में अगर सिमटे है ये प्रदेश में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की वजह से सिमटे हैं। काबर की जतका मजबूती से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना विरोध करीस उतका मजबूती से कांग्रेस नहीं करे, कांग्रेस कोई बड़ा भारी सितारा नहीं टांगे जेकर से उमला 71 सीट मिल जाती। ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छत्तीसगढ़ियावाद के देने तेकर सेती वो 71 सीट में आए, लेकिन जेकर सेती आए तेने मन ला जेल भेजा थे, तेकर दूरदिन आना शुरू हो गए, उल्टा गिनती शुरू हो गए। ये सीट में चुनाव लड़त हो आप मन? 46 सीट में चुनाव लड़त हन और बहुत मजबूती से लड़त हन, अपन छत्तीसगढ़िया तरीका से लड़बो और राजनीति के एक नया आयाम जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी छत्तीसगढ़ में स्थापित करे। जैसे बीजेपी के लाइन है बदलबो बदलबो, छत्तीसगढ़िया जिन जोहार पार्टी ओखर का लाइन रखे हो आप? जात पात के करो विदाई छत्तीसगढ़िया भाई भाई, ये हमार सूत्र वाक्य। और ये जिन मन कांग्रेस जात के राजनीति करते, भाजपा धर्म के राजनीति करते, अरे राजनीति के धर्म ल भुलावा मत, राजनीतिक धर्म ल करो, और ये मन भुला गए तेकर सेती हमन ला जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बनायल परी से और चुनाव मैदान में उतरे हम। तो ये रही हमारे संग अमित बघेल जी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख है। और ये बार जन विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में 2023 के तेन में नामांकन भरे भर पहुँचे हवे और 46 सीट में अपन प्रत्याशी उतारे है और छत्तीसगढ़ी महतारी के सेवा बरे मन है तैयार होए के बाद कहत हवे। आगे और भी बड़े अपडेट बार आप मन देखत रहो न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नावेश के संग अविनाश चंद्रवंशी।
हैं।